नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का स्किनर बनाया उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ और मेरा पेट सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फाइल जो शेयर करता हूँ। तो उसका आज का परफॉर्मेंस कैसे रहा आप लोग को वो दिखाऊँगा। तो इसीलिए ये मेरा बाइसल लेवल कैसे काम करता है और इसका वाइसल लेवल कैसे यूज़ करना है वो भी आप लोग को इसमें से पता चल जाएगा। आप लोग फिर सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग ज्वाइन हो सकता है फ्री ट्रायल के लिए, और उसके बाद आप लोग उसका आप लोग कुछ दिन ऑब्जर्व कर सकता है। और मेरा जो स्ट्रैटेजीज है इनसाइड दवा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो मैंने बनाया है और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है वो भी आप लोग को दिखाऊँगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देता हूँ और ये बाइसल लेवल इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रैटेजीज इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कौन सा स्टॉक में फॉर्म होता है वो आप लोग को हेल्पफुल होगा। वो अभी आप लोग इसीलिए आप लोग उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चार्ट का सेटअप है उधर उसको आप लोग को करने से आप लोग को बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ आप लोग को प्रॉफिट दे सकता है और बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है वो भी आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। तो आर्बिट्रेज पेयर ट्रेडिंग हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स ये सब हाउ टू टेक सेव एंट्री और भी बहुत सारा चीज़ है वो आप लोग देख सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए मैंने दो फाइल शेयर करता हूँ, बाइसल लेवल वन और बाइसल लेवल थ्री, और इसमें क्या क्या है आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए और पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए और इसको कैसे स्क्रीनिंग करता है वो भी आप लोग देख लीजिए। तो देखिए मैंने ये कल जो फाइल शेयर किया था उसका मैंने ये डाउनलोड कर लिया, इधर से इधर डाउनलोड कर लिया। आप लोग फाइल नंबर देखने से ही आप लोग को पता चल जाएगा जो लोग एक्सेल शीट में काम करता है। तो इसीलिए देखिए इधर फाइल जो है उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशन भी दिया था तो उसको मैंने एक एक करके एक दो दिखाऊंगा। उसके बाद मैंने इनसाइड द वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी 100 ईमे का जो स्ट्रेटेजी है वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। सो इसलिए मैंने ग्लेनमार्क को दिखाता हूँ, ग्लेनमार्क का बाइसल लेवल कितना था, ग्लेनमार्क जो है ग्लेनमार्क का 353.40 36.36 मतलब 35 या 40 के ऊपर आप लोग बाई कर सकते थे। और इधर सेल लेवल था 350.16। ये कल का डाटा लेके मैंने काम किया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो ग्लेनमार्क को देखते हैं कहाँ पर एक ऐसे मूवमेंट दिया था। इधर ग्लेनमार्क देखिए 358.90 इसका हाई हुआ था, 5 मिनट का चार्ट में भी चेक कर लेते हैं। इधर देखिए इधर जो ये पहले थोड़ा सा नीचे आया था इसका सेल लेवल था 350.15। तो इधर आप लोग पहले सेल कर सकते थे, आप लोग को 347.85 मिल जाता था। उसके बाद जब 353.35 जब क्रॉस किया ये 358 तक गया था। तो मैंने और भी एग्जांपल देख लेता हूँ उधर से, सोच लीजिए मैंने ये जो रिकमेंडेशन था उसमें से एक चुन लेता हूँ। ये स्कूल लेता है TCS कौन सा दिया है, कैसे TCS को मैंने एक दो करके दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे स्ट्रैटेजीज और कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिखाना पड़ेगा, दिखाने का कोशिश करूँगा जितना हो सके ताकि आप लोग को देखिए ये ओपन गए थे तो ये 2222 तक ऊपर गया था। तो ऐसे आप लोग एंट्री ले सकते थे। इसके बाद मैंने दिखाऊंगा, देखिए मैंने जो 100 ईएमए वाला जो स्ट्रेटजी है उसमें मैंने आप लोग को दिखाऊंगा वो कैसे काम करता है। सोच लीजिए इधर 100 जो ईएमए जो कोई भी काल का कैंडल को काल का मतलब डेली कैंडल को जो काट किया था उसके बाद जब ये गया था तो इसका कैसे ये परफॉर्म किया है। तो इसीलिए मैंने इसको देख लेता हूँ। सोचिए इधर तो ग्लेनमार्क तो ये आप लोग को दिखा दिया, ग्रासिम को दिखाता है, ग्रासिम को एक बार देख लेता है। ग्रासिम इधर से
देखते हैं इधर से लगा के। तो इधर देखिए ग्रासिम इसका 769, तो इधर देखना आप लोग देख सकते हैं इधर इधर मतलब डेली चार्ट में आप लोग करूँगा तो देखिए कल का जो ये सब मूविंग होता है और थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप लोग इस कर सकते हैं। इधर ग्रासिम का 768 हाई था और 741 इसका लो था, तो 768 का हाई के ऊपर ये आज का हाई थोड़ा सा 769.95 तक गया था, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा नहीं आ पाया। उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा ये जो हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर को आप लोग देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान लीवर मैंने 5 मिनट का चार्ट में भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि 5 मिनट कौन सा लेवल पे ये एंट्री लेना पॉसिबल था वो भी देखना पड़ेगा। तो 5 मिनट का चार्ट में आप लोग देखेंगे तो इधर देखिए, इधर ये 1927 के नीचे जब आया था इस ईयर, इधर 1918 तक ये आ गया था, ये कल का हाई था, ये 1930 इसका लो था और उस कल का हाई के ऊपर यह नहीं पाया, तो ये इसके नीचे ये 1918 तक आया है। उसके बाद कुछ भी देख लेते हैं, ये छोटा मोटा स्टॉक्स मैंने छोड़ देता हूँ। इधर अल्ट्रा सेम को और इधर वोल्टास या विप्रो को एक बार देख लेते हैं। वोल्टास को देखते हैं, वोल्टास इधर आपका इधर काल का हाई था 660 इसका हाई था और 647 लो था, तो 647 के नीचे आया नहीं, 660 के ऊपर 665 गया था। देखना है एक बार चार्ट में यह पॉसिबल कैसे पॉसिबल होता था या नहीं होता था। तो देखिए इधर ओपन हुआ था 697 के ऊपर, उसके बाद आप लोग एंट्री लेते थे इधर 665 तक ये हाई गया था। तो और विप्रो भी एक बार देख लेते हैं, विप्रो इधर 252 इसका काल का हाई था, 249.90 और इधर आज का हाई गया है 252.70 और इसका लो शायद थोड़ा नहीं था, लो थोड़ा नहीं है 246.30 लो था, इधर 252 तक ऊपर गया था। तो इस इधर हो गया इसका, मैंने इधर इनसाइड द बार दिखाना चाहता हूँ। इनसाइड द बार मैंने सोच लीजिए कुछ भी दिखाता हूँ, मैंने कल का दो और भी कुछ कैंडलस्टिक बनाया था तो उसको आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। इधर आप लोग को शायद इधर मतलब ये अपडेटेड नहीं हुआ था रामी वाला कैंडल और देखा नहीं पाया, और इसका सोच लीजिए डार्क क्लाउड ओवर टेल, ये जो डार्क क्लाउड कवर जो है इन्फी को आप लोग दिखाना चाहता हूँ। तो इन्फी का देखिए कल का जो हाई लो था, कल का जो इन्फी का 740 हाई था, 730.90 लो था, तो इन्फी इधर से 740 हाई था, तो देखना पड़ेगा इन्फी इधर से 740 से ये आज का पहले हाई गया था 738 के ऊपर, पहले 746 तक तो पहले गया था, उसके बाद 748 तक गया था ये। तो ठीक है उस उधर देख लेते हैं और भी कोई भी स्ट्रेटेजी का, देखिए Nr4 Nr7 सोच लीजिए, Nr4 Nr7 तो आइडिया छोटा सा छोटा मोटा हो जाता है तो ये देख के फ़ायदा नहीं है। हमारा राज्य बैटरी को एक बार देख लेते हैं, हमारा राज्य बैटरी हमारा